Hi viewers, this is DK Bhardwaj from Universal, the Institute of English Language, Nagravalia. Dear students, in today's video, video number 21, we are going to learn a very interesting topic. The topic is, should have to in Hindi, hi chahiye. Jab kabhi bhi aapke vakya mein hi chahiye shabd aaye, to us prakar ke vakyon ko aap angrezi mein bolenge kaise. Jaise aapko angrezi sikhna hi chahiye. तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर की यदि बात करें हम तो यहां पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद होगा शुड हैव टू और यहां पे क्रिया का पहला रूप हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, ही चाहिए शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए शुड हैव टू का उपयोग करेंगे। आइए इसको करते हैं, यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको उन लोगों की मदद करनी ही चाहिए, आपको उन लोगों की मदद करनी ही चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, आपको यू शुड हैव टू हेल्प देम, आपको नहीं उन लोगों को समय पर आना ही चाहिए, उन लोगों को समय पर आना ही चाहिए, उन लोगों को दे शुड हैव टू कम ऑन टाइम। यदि आपको इंग्लिश निगेटिव बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, आइए उसका स्ट्रक्चर यहां पर सीख लेते हैं। निगेटिव के बाद स्ट्रक्चर के लिए हम लोग शुड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, शुड के बाद नॉट, यहां पे हैव टू देन वी वन देन वही हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। आपको राम को वहां नहीं ही जाना चाहिए, राम को वहां नहीं ही जाना चाहिए। राम और सीता को झूठ नहीं बोलना चाहिए, राम और सीता को झूठ नहीं ही बोलना चाहिए। आइए इन दोनों वाक्यों को करते हैं, राम को वहां नहीं ही जाना चाहिए, राम शुड नॉट हैव टू गो देयर, राम और सीता को झूठ नहीं ही बोलना चाहिए, राम एंड सीता शुड नॉट हैव टू टेल अ लाई। यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करें, प्रश्न में इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या आपको उन लोगों को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्या आपको उन लोगों का सपोर्ट करना ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, शुड प्लस सब्जेक्ट हैव टू भी वन ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटीग्रेशन, क्या आपको उन लोगों का मदद
करना ही चाहिए। क्या आपको उन लोगों को मदद करना चाहिए? क्या क्या हम लोगों को क्या हम लोगों को अपने बड़ों का कहना मानना ही चाहिए? तो आइए इन दोनों वाक्यों को करते हैं। क्या आपको उन लोगों का मदद करना चाहिए? उन लोगों की कर लीजिए, उन लोगों की। क्या आपको उन लोगों की मदद करनी चाहिए? क्या लिखेंगे? शुड शुड यू हैव टू हेल्प देम। दूसरा हो जाएगा, क्या हम लोगों को अपने बड़ों का कहना मानना ही चाहिए? शुड वी ओबे आवर शुड वी अच्छा क्या लिखेंगे? शुड वी ही चाहिए शब्द है ना, शुड वी हैव टू शुड यू हैव टू ओबे आवर एल्डर्स, ये सब हो जाएगा। यदि हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, बीच में क्या शब्द आ जाएगा? आइए कुछ एग्जांपल को देखते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर को लिखेंगे फिर एग्जांपल को लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा डब्ल्यू एच, यहां पे शुड हो जाएगा आपका, बाकी कोई रहेगा तो इस काम को कैसे करना ही चाहिए, इस काम को कैसे करना ही चाहिए, आप लोगों को क्यों नहीं अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, आप लोगों को क्यों क्यों नहीं अंग्रेजी सीखनी क्यों नहीं अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए? और अगला वाक्य हो जाएगा, राम को कैसे 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 उन लोगों को राम को कैसे उन लोगों को मनाना ही चाहिए। तो आइए इन वाक्यों को हम इंग्लिश में करें। इस काम को कैसे करना ही चाहिए, हाउ शुड इस काम दिस सब्जेक्ट रूप में इस काम को हाउ शुड दिस वर्क हैव टू डू, हाउ शुड दिस वर्क हैव टू डू, इस काम को कैसे करना ही चाहिए, आप लोगों को क्यों नहीं अंग्रेजी सीखनी चाहिए, ना शब्द है सब्जेक्ट बाद ना लिखेंगे, आप लोगों को क्यों नहीं, Why should you not have to learn English? Why should you not have to learn English? राम को कैसे उन लोगों को मनाना ही चाहिए, राम को कैसे उन लोग मना, हाउ शुड राम हैव टू कन्विंस कन्विंस देम, हाउ शुड राम हैव टू कन्विंस देम। डियर व्यूअर्स, तो हम लोगों ने सीखा कि कोई भी कार्य करना ही चाहिए तो हम शुड हैव टू का प्रयोग करके कर लेंगे। मित्र,
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। और जो मित्र जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सीखेंगे करना ही चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। कोई काम करना ही चाहिए था, आप लोग उन लोगों की मदद करने ही चाहिए था, उन लोगों को मेरे पास आना ही चाहिए था, आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए था, इस प्रकार के वाक्यों को हम अगले वीडियो में करेंगे। इंतजार करिए, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।